I invite on stage Shri Sumit Pondaji from Bhopal, popularly known as Bhaiji, to join us on stage. Bhaiji is an educationalist with a difference. He believes that inculcating sensitivity in students on man and environment is the true aim of education. Bhaiji joins us in his second avatar as a true lover of Sri Sai Nath and extols the essence of Sai Leelas in Sai temples all over India. Interspersed with bhajans and parables, his discourses are a delight for listeners. Bhaiji, welcome to the samaroh. Anant Koti Brahmand Nayak, Raja Adiraj Yogi Raj, Param Brahma Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj. Mere andar baithe Sai ka, aapke andar baithe Sai ko naman, aalingan, प्रेम श्रद्धा और सबूरी. मुझे नहीं पता, मैं कुछ थोड़ा सा देर से आया था और बीच में भजन के दौरान भोजन का निमंत्रण भी आ गया. और बाबा की सीख है कि यदि कोई तुम्हें प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आग्रह करे तो उसको अपना आदर समझो. उस आदर को ग्रहण करने में अंदर चला गया था. मुझे नहीं पता मेरे पहले के लोगों ने क्या क्या बोला. यदि किसी टॉपिक पे हम दोबारा बात करें तो इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें. एक साइको थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइज. आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं. आप लोगों को, पेशेंट्स को उनके पुराने जन्मों में ले जाते हैं और वहां ले जाकर के उनके मन की ग्रंथियों को उभारते हैं, उन्हें पिघला देते हैं और उन्हें उनकी असामान्यताओं से दूर करते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान उनका संपर्क, वो कहते हैं कि कई मास्टर्स से होता है, ऐसी पहुंची हुई आत्माओं से होता है जो उनसे सीधे संवाद करती है. वो लिखते हैं कि ऐसे ही एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान मुझे एक मास्टर ने कहा, क्या टास्क इज नॉट टू फॉलो साईं बाबा, आ टास्क इज not to follow Sai Baba. Our task is to be Sai Baba. हम साई बाबा का अनुसरण ना करें, उनके पीछे चलते जाएंगे तो उनके पीछे ही चलते रहेंगे. कोशिश यह करें कि हम सब खुद साई बाबा बन जाएं. बहुत साधारण से सोच बनती है कि बाबा का नाम है सा ई. अगर सा और ई को दो शब्दों में विभक्त किया जाए तो सा से साधारण और ई से इंसान होता है, जो उनके शुरुआती दिनों की शायद बात होगी, जन्म के समय की. और वहां से उनका सफर चलता है, शिरडी का पहला प्रवास, फिर कुछ गायब हो जाना और फिर वापस आना और 60 बरस के आसपास शिरडी में लगातार रहना और वहां पे महासमाधि लेना. और उस साधारण इंसान का सा और ई तब्दील हो जाना साक्षात ईश्वर में. साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर की दास्ता है साईं.
मैं और आप भी चाहें तो साई बन सकते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहते, परिस्थितियां बनने नहीं देती, इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, परीक्षाएं दूभर सी लगती हैं और परिणाम का डर सताने लगता है। क्या हम साई बन सकते हैं? बन सकते हैं। सच्चरित्र हम सभी पढ़ते हैं, हमने इसमें से अधिकांश ने पढ़ा होगा। उस सच्चरित्र के माध्यम से हम साई को तो मानते हैं, लेकिन साई की नहीं मानते। हम साई से तो मांगते हैं, लेकिन साई को नहीं मांगते। जब मांगेंगे तो साईं को ग्रहण कर पाएंगे। साईं को मांगने की हिम्मत हम में नहीं है, काबिलियत है। उस काबिलियत को दबा के रखते हैं। इसी श्री साईं सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे भक्तों के नाम हमारे सामने आते हैं, अलग अलग भक्ति के प्रकार हम उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे प्रचंड रूप से हमारे सामने आते हैं काका साहब दीक्षित, जिनको बापा लंगड़ा काका कहा करते थे। कहते हैं काका साहब दीक्षित को स्व अनुभूति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। सच्चरित्र के बाद एक और भक्त का जिक्र आता है जो कि साईं बाबा के कंटेम्प्ररी नहीं रहे। हमने में से बहुतों ने उन भक्त के बारे में बहुत अच्छे से जाना नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन साईं के दरबार में उनके समकालीन लोगों के बीच एक बहुत घनी सफेद दाढ़ी वाले भक्त की तस्वीर भी लगी हुई है। यह तस्वीर 26 जनवरी 1966 को शिरडी में शोभा यात्रा निकाल करके बाबा के चरणों में उस तस्वीर को सजा करके बाद में उसको बाबा के दरबारे खास में स्थान दिया गया था। नरसिम्हन अय्यर की बात कर रहा हूं मैं। इनका जन्म हुआ था सेलम में, इनका जन्म हुआ था भवानी करके जगह है तमिलनाडु में, वहां पर उनके परिवार के साथ वो सेलम में आए। उनकी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई वहां पर सेलम में हुई, उसके बाद वो बीए और बीएल करने चेन्नई चले गए, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। बहुत धार्मिक, बहुत उच्च कोटि के मूल्य आधारित परिवार से उनका संबंध था, जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारी जीवन में अच्छी बातें हासिल की। बांटना और देना और बदले में बहुत सारी खुशियां बटोर लेना, ये उनका मूल स्वभाव था। मैट्रिकुलेशन के बाद जब वो ये 2 डिग्रियां हासिल करके आए, वकील बन गए, बहुत अच्छी वकालत करते थे, लेकिन उससे भी अच्छे वो आर्बिट्रेटर थे। उनका मानना था कि यदि हम लोग व्यर्थ में कोर्ट कचहरी बाजी में उलझे रहेंगे तो बहुत सारा समय, पैसा और ऊर्जा का क्षय होगा, इसीलिए वो अधिकांश केस लेने से पहले ही आपसी सुलह मशवरा करके चीजों को सुलझा दिया करते थे। उनकी 4 संतानें हैं, यदि मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही है तो उनकी 4 संतानें थीं, 2 बेटे 2 बेटी। बहुत इज्जत नाम उन्होंने हासिल किया, सेलम म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बने, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए और उन दिनों में अंग्रेज सरकार के नैतिक विरोध के रूप में उन्होंने चेन्नई मद्रास की विधानसभा में लोकल लैंग्वेज में भाषण भी दिया।
बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे, वो बहुत नाम यश पैसा समृद्धि गाड़ी बंगला घोड़ा चाकर सब कुछ भरा पूरा परिवार, ध्यान रखने वाली सम्मान करने वाली पत्नी। एक दिन उनकी माता का श्राद्ध था घर पे, तभी उनका एक नौकर आकर उनसे कान में कहता है, जिसको देख जिसको सुन करके उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो यथाविधि माता का श्राद्ध पूरा करते हैं। उस नौकर ने यह कहा था करके कि उनके एक पुत्र और एक पुत्री बंगले में ही कुएं में जल समाधि ले चुके थे। उन्होंने माता के श्राद्ध कर्म पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ने दिया। गए जाकर के उन्होंने श्राद्ध कर्म के बाद पंडित को विदा किया और जाके अपने पुत्र और पुत्री की पार्थिव देह देखी। वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, वहां से उनका जीवन बदली हुआ। उन्होंने एक आम इंसान की तरह कभी ये शिकायत नहीं की कि वाई मी, क्योंकि आम इंसान तो जब बहुत कुछ मिलता है, नाम यश धन दौलत पैसा नौकर चाकर जमीन संतान मिलता है, तो ये नहीं कहता है वाई मी, मुझे क्यों नवाजा है तूने। लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो कहता है वाई मी। इन्होंने ये नहीं कहा वाई मी, उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि मेरे लिए किसी ने कुछ और सोच रखा है, यहां से मेरे जीवन का प्रवाह बदलता है। उन्होंने इस दुख को सहन किया, लेकिन अब सांसारिक चीजों में उनकी रुचि कम हो गई थी। उनकी पत्नी इस सदमे को नहीं झेल पाई और कुछ समय बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। पत्नी के देह त्याग के बाद इन्होंने अपना संसार त्याग दिया, धन दौलत गाड़ी नौकर सब कुछ। उनके बड़े बच्चों की गृहस्थी सेटल हो चुकी थी और पहने हुए कपड़ों में ये चल पड़े उस सदगुरु की खोज में जो उन्हें उनके जीवन का असली मकसद समझा सके, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये अभी तक जो मैं करता आया हूं मेरे जीवन का असली मकसद नहीं है। घूमते घूमते वो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी के पास गए। उनके पास जागरूक प्रवृत्ति के विद्वान थे, उनके पास ज्ञान अर्जन जितना कर सकते थे किया। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु तुम्हें कहीं और बुला रहे हैं। वहां से वो ढूंढते हुए रमन महर्षि के पास गए। वहां पर उन्होंने 3 वर्ष तक के गुफा में बैठ करके मौन साधा। वहां भी जब चैन नहीं मिला रमन महर्षि पे, उन्होंने किताब भी लिखी। घूमते हुए पंढरपुर, पंढरपुर से कहीं और होते हुए मेहरबाद, मेहरबाद से मेहर बाबा के पास से होते हुए साकोरी में उपासनी महाराज के पास आए। उपासनी महाराज उन दिनों बड़े सारे कोर्ट केसेस में उलझे हुए थे। इन्होंने वकील होने के नाते परम शक्ति से इजाजत लेकर के उनका मुकदमा लड़ा, उन्हें एक्विटल दिलवाया। लेकिन मन को शांति नहीं मिली, लेकिन उपासनी महाराज के संसर्ग में रहते हुए उनको यह समझ में आ गया था कि उपासनी महाराज जिन्होंने बाबा के अंदर उनकी गाइडेंस में रह करके जो इतना ज्ञान हासिल किया है, तो उनके जो गुरु हैं वो अपने आप में कितने महान होंगे। लेकिन वो इन गुरुओं के चक्कर लगाते हुए ज्ञान को तलाश करते हुए अपने मन माफिक गुरुओं को ना पा करके
बहुत हतोत्साहित होकर के वापस गृहग्राम लौटने का इरादा कर चुके थे, तो कहते मैंने जिस किताब में पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं, वहां के एक कब्रगाह के पास, अभी मेरे ख्याल से 7 मिनट बचे हैं, मैं घड़ी इसीलिए सामने रखी है, गृहग्राम जाने का इरादा कर चुके थे, तो एक पठान ने उनसे कहा कि तुम्हें शिरडी जाना चाहिए। पठान उनसे हुज्जत करने लगा कि नहीं, तुम्हें शिरडी जाना चाहिए, वो वापस जाने को उतारू थे। उस पठान की बात सुनकर के शिरडी गए। 24 अगस्त 1936 का दिन बाबा की समाधि के सामने जाकर के खड़े हो गए और कब साई उनमें समा गए और कब उन्होंने अपना सर्वस्व साईं के चरणों में त्याग कर पा लिया, ये समझ में नहीं आया। वो द्रवित हो गए, उनको ये लगा कि ये, उन दिनों शिरडी में बहुत कम लोग आते थे, बाबा ने 1918 में महासमाधि ले ली थी, उस किताब के मुताबिक शिरडी में उन दिनों मात्र दर्जन भर लोग आते थे, बाबा की आरती के समय इकट्ठे होते थे। सगुण मेरु नायक जिन्होंने वहां पे सर्वप्रथम भोजनालय खोला था, मस्जिद के सामने उनका भोजनालय भी चलना बंद हो गया था, इन्हें गिने लोग आते थे। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि मुझे इस संत जिसने यहां पर बुला करके द्रवित किया है, मुझे इस संत को दुनिया तक ले जाना है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हम लोग सभी आज उनकी ऋणी हैं नरसिंह स्वामी जी के, कि उन्होंने जो अथक प्रयास मेहनत की है अहमदाबाद से लेके सिलचर असम तक, नीचे साउथ इंडिया से लेके दिल्ली और ऊपर तक, रोज वो कहीं ना कहीं निकल जाते अपना झोला कमंडल उठा करके, बाबा के बारे में नुक्कड़ सभाएं करते, बाबा के भजन गाते, बाबा के अष्टोत्तम स्रोत के बारे में लोगों को बताते, बाबा के स्वभाव के बारे में बताते, उनके चमत्कारों के बारे में बताते। उन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया जिनमें लोगों ने अपने चमत्कार, क्योंकि उनकी अब ख्याति, बाबा की ख्याति लोगों तक पहुंचने लगी थी और लोग साईं बाबा के प्रति आकर्षित होने लगे थे। जब आकर्षित होते हैं तो भक्त को भगवान से बांधने वाली पहली कड़ी होती है चमत्कार। चमत्कार के बिना कोई कभी नमस्कार नहीं करता। आज हम सब यहां पर बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं बाबा के चमत्कारों से उपकृत हो चुके हैं और उनकी शक्ति को जानते हैं, इसलिए उनसे जुड़े हुए हैं। वो पहली सीढ़ी होती है। अगर वो सीढ़ी ना होती तो हम सब इस ऊंची 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 पायदान पे ना चढ़ते। उन्होंने लॉकेट्स बनवाए, आज हम लोग गले में लॉकेट्स पहनते हैं, हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, उन्होंने अंगूठियां बनवाई, कैलेंडर छपवाए। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस काम पे, जिसको हम आज की तारीख में कहें मर्कंडाइजिंग पे काम किया और लोगों तक आसानी से साईं बाबा को पहुंचाया। 4 मिनट और बचे हैं, मैं किसी का समय नहीं खाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी का समय नहीं खाता हूं। इस दरमियान उनके कई एक्सीडेंट हुए, 7 बार उनके एक्सीडेंट हुए, हड्डियां टूटी। उन्होंने पलंग पर बैठे 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 बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, कई किताबें लिखी, लोगों को बाबा तक जोड़ा, बाबा को खोजा। एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का श्रेय, हमने वो भजन सुना है ना कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो साईं बाबा ने ये श्रेय दिया नरसिंह स्वामी जी महाराज को कि वो केवल महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों से हटा करके साईं बाबा को दूर दराज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व में लोगों के पहले दिमाग में और फिर दिल में बिठाएं। हम सब उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। सो लेट अस नॉट फॉलो साईं बाबा। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, फटे कपड़े, बिना चप्पल बिना जूते, कभी खाना मिला तो खा लिया, कभी खाना नहीं मिला तो नहीं खाया, टूटे हुए हाथ पैर,
सब कुछ, जिस व्यक्ति ने सब कुछ देखा हो उसके लिए बड़ा तकलीफदायक होता है, जिसने बहुत सुख देखा हो उसको दुख तकलीफ देता है। लेकिन हम सब साईं बाबा से सुख मांगते हैं, आनंद नहीं मांगते हैं। नरसिंह स्वामी जी ने आनंद मांगा। सुख और आनंद में फर्क यह होता है कि सुख दुख को भुला देता है, लेकिन आनंद दुख को समाप्त कर देता है। मांगना है तो साईं बाबा से सुख मत मांगिए, आनंद मांगिए। आनंद तब मिलेगा जब आप दूसरों के लिए यूजफुल हो जाएंगे, जैसे साईं बाबा थे। आप सभी ने यहां बुलाया, बहुत मान दिया, बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान दिया। घड़ी की सुई कह रही है कि किसी के लिए एक मिनट बचा करके यहां से निकल जाने में ही अकलमंदी है। बस सभी को बाबा का खूब खूब आशीर्वाद पहुंचे। बाबा भली कर रहे आप सभी पे, बाबा की यथार्थ कृपा हमेशा बरसती रहे। ओम साई राम। नमस्कार। थैंक यू भाई जी फॉर दोज इनसाइटफुल टेल्स ऑन आवर स्पेशल मास्टर एंड हिज कंटेम्पररीज, रिमाइंडेड अस ऑफ द कीर्तंकर दास कनू spreading his stories through the provinces of Maharashtra.